हे गाइस, होम डेकोरेशन के लिए हम घर में बहुत से पौधे लगाते हैं और अगर वो पौधा बहुत कम केयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करे और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत हो तो ऐसे पौधे हर कोई अपने घर में लगाना चाहता है। तो देखिए, ऐसा ही एक पौधा है रिबन ग्रास, ये देखिए। तो ये बहुत कम केयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत पौधा है ये। तो एक ही पौधे से आप काफ़ी पौधे तैयार कर सकते हो। तो मेरे पास इस पौधे की दो वैरायटी है, आमतौर पर आपको ये किसी नर्सरी में मिल जाएगी दोनों वैरायटी। यहाँ पे ये है वेरीगेटेड और ये है देखिए ग्रीन। तो जब मैंने इस पौधे को लिया था तो लगभग मैंने ये 30 रुपये का लिया था, छोटे से पॉली बैग में था, ये दोनों एक ही थे। तो सबसे पहले मैंने इनको रिपोट किया, अलग अलग किया और अब दोनों पौधे देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है। तो ये स्पाइडर प्लांट की तरह दिखने में लगते हैं ये देखिए, लेकिन ये स्पाइडर प्लांट नहीं है, ये एक अलग वैरायटी है। लेकिन इन दोनों को प्रोपोगेट करना काफ़ी आसान है। स्पाइडर प्लांट को आप बेबी प्लांट से या फिर पप से प्रोपोगेट कर सकते हो, एक ही पौधे से आप काफ़ी पौधे बना सकते हो। सो गाइस, बहुत कम केयर में ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो अगर आपको ये पौधा कहीं मिले तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, यह एक परमानेंट प्लांट है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने इसको रिपोर्ट किया तो मैंने इसमें क्या फर्टिलाइज़र दिया। सो गाइस, रिबन ग्रास के इस पौधे को जब मैंने नर्सरी से परचेज़ किया था तो एक ही पॉली बैग में मुझे दो अलग अलग वैरायटी मिल गई थी। तो सबसे पहले मैंने इनको रिपोर्ट किया अलग अलग पॉली बैग में और उस दौरान मैंने इसमें हेल्दी गार्डन सोयल के साथ 20% गोबर खाद मिक्स करके मैंने इनको लगाया था। तो कुछ महीने के बाद फिर मैंने इसको फिर से रिपोर्ट किया, इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी थी और फिर मैंने इनको लगाया बड़े पॉट में। तो उसके बाद देखिए, पॉट में लगाने के बाद आप इसको दोबारा रिपोर्ट कर सकते हो, तो एक ही पौधे से आपके काफ़ी पौधे बन जाएंगे। और दूसरी, मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया लीफ कंपोस्ट। हालांकि फर्टिलाइज़र की इतनी ज़्यादा ज़रूरत इस पौधे को ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन कोशिश करें कि साल में एक बार आप इसको फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। ये है स्पाइडर प्लांट और स्पाइडर प्लांट आपको किसी नर्सरी से बड़ी आसानी से मिल जाएगा, यह एक कॉमन प्लांट है। तो इसकी केयर और इसको प्रोपोगेट करना काफ़ी आसान है। सेम ऐसे ही रिबन ग्रास है, रिबन ग्रास की जो केयर है वो बहुत ही इजी है और इसकी जो प्रोपोगेशन है वो भी बड़ी आसानी से आप काफ़ी नए पौधे तैयार कर सकते हो। तो देखिए, इनकी जड़ों में कुछ नए बेबी प्लांट्स आते हैं, तो इनको आप रिपोर्ट करके जो है इनको निकाल के अलग सेपरेट करके आपके काफ़ी नए पौधे बन जाएंगे। तो मैंने इनको भी ऐसे ही लगाया था, ये देखिए। तो अगर हम इसकी केयर की बात करें तो देखिए, जून जुलाई की जब बहुत तेज़ धूप होती है तो ऐसे में आप इन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। तो हालांकि ये पौधे मरेंगे नहीं, लेकिन इनको जो है काफ़ी डैमेज होगा। तो उस दौरान आपको इन पौधों को आउटडोर पार्शियल लाइट में रखना है। अगर आप इन पौधों को इनडोर रख रहे हो तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ब्राइट लाइट इनको मिलती रहे, या कुछ घंटों की डायरेक्ट सनलाइट भी मिल जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह और शाम की धूप तो पौधे को चाहिए ही होती है। सो गाइस, इन पौधों को आप ज़रूर लगाएँ और बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है ये। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही प्लांट से रिलेटेड वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता रहूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।